वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी वर्ब के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। पिछली क्लास में हमने कुछ एक वर्ब की फॉर्म पढ़ रहे थे जी, ठीक है। अब हम चलते हैं जी आज आगे फॉर्म ऑफ वर्ब। कल हमने पिछली वीडियो में हमने 30 तक पढ़ ली थी, आज हम 31 से शुरू करेंगे जी, ठीक है। तो 31 देखो क्या कह रही है आपकी। 31 है जी बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बांधना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी बिल्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी बिल्ड। 32 है जी बर्न। बर्न का मतलब जलना, कोई चीज जल जाती है तो बर्न्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म। बरी, बरी का मतलब गाड़ देना, किसी चीज को गाड़ देते हैं ना जमीन में, गाड़ दिया कुछ भी कर दिया, ब्रेड ब्रेड हो गया, ठीक है। कोल, कोल का मतलब होता है बुलाना, तो कोल्ड कोल्ड हो गया। कैंसिल, कैंसिल का मतलब होता है रद्द करना, तो कैंसल्ड कैंसल्ड हो गया। केयर, केयर का मतलब होता है देखभाल करना, आप किसी की देखभाल करते हो। अभी अभी आप छोटे हो तो मम्मी पापा आपकी करते हैं, फिर आप बड़े हो जाओगे तो आप अपने मम्मी पापा ही करोगे, तो वो केयर होता है, तो केयर्ड केयर्ड हो जाएगा जी, ठीक है। फिर होता है कैरी। कैरी का मतलब ले जाना, जैसे मैं अपने साथ कोई चीज लेके चला जाऊँ तो कैरी, ठीक है। कैरी का मतलब ले जाना, तो कैरिड और कैरिड। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है जी मनाना किसी चीज को, तो जैसे जन्मदिन सेलिब्रेट किया आपने, ठीक है, तो सेलिब्रेट का मतलब होता है कोई चीज मनाई आपने, मनाना, सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड, ठीक है। चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना, किसी को चैलेंज करो आप, चुनौती दो, तो चैलेंज्ड चैलेंज्ड। चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है जी बदलना, तो क्या हो जाएगा चेंज्ड और चेंज्ड, ठीक है। नेक्स्ट 31 तक कर ली थी, आगे 30 तक कर ली, 40 तक कर ली थी, आज हम 41, अब 41 से करते हैं जी, ठीक है। आगे देखो 41 क्या कह रहा है। चीट, चीट का मतलब होता है धोखाधड़ी, धोखाधड़ी लिख देना, धोखाधड़ी होता है धोखा। धड़ी, ठीक है, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी करना, किसी के साथ धोखा करना भी लिख सकते हो, तो चेटेड और चेटेड। चेक, चेक का मतलब जांच करना, आपकी कॉपी चेक होगी, ठीक है, जांच करना, चेक चेक। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट करना, ठीक है, तो क्लैरिफाइड और क्लैरिफाइड। क्लीन, क्लीन का मतलब सफाई करना, तो क्लीन्ड और क्या हो जाएगा क्लीन्ड, ठीक है। क्लियर, क्लियर का मतलब क्या होता है जी साफ करना, क्लियर का मतलब भी साफ करना होता है, ठीक है, क्लियर्ड और क्लियर्ड। क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, जैसे आप पेड़ पे चढ़ जाते हो, ठीक है, तो वो होता है क्लाइंब, तो क्लाइंब्ड और क्लाइंब्ड, ठीक है। क्लोज, क्लोज का मतलब क्या होता है जी बंद करना, ठीक है, तो क्लोज्ड और क्या हो जाएगा आपके पास क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कलेक्ट, कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, जैसे आप पैसे इकट्ठे करते हो तो आप कलेक्ट करते हो, मनी कलेक्ट करते हो, आपकी एग्जाम फीस कलेक्ट की जाती है, ठीक है, तो वो होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, तो कलेक्टेड और कलेक्टेड सेकंड और थर्ड फॉर्म। कमांड, कमांड का मतलब होता है हुक्म चलाना, किसी पे आप कमांड देते हो, किसी के ऊपर हुक्म चलाते हो, तो कमांडेड और कमांडेड, ठीक है। इसके बाद होता है जी कमेंट, कमेंट करना, टिप्पणी करना, जैसे आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओगे कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, तो आप अपनी टिप्पणी करते हो कि वीडियो कैसी लगी आपको, तो कमेंटेड और कमेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट 51 है जी कंपेयर करना। कंपेयर का क्या मतलब होता है तुलना करना, जैसे आपकी और किसी और की घरवाले कंपेयर करते हैं ना, हमारा बच्चा अच्छा है, उसका बच्चा अच्छा है, इसकी ऐड ज्यादा है, उसकी ऐड ज्यादा है, वो होता है कंपेयर करना, कि तुलना करना, तो कंपेयर्ड और कंपेयर्ड बन जाएगा, ठीक है। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब क्या होता है पूरा करना, तो कंप्लीटेड और कंप्लीटेड। कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, पुष्टि करना मतलब कन्फर्म कर देना कि हाँ ये बात सही है, बिल्कुल सही है, कन्फर्म्ड और कन्फर्म्ड हो जाएगा। कनेक्ट, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, तो क्या हो जाएगा कनेक्टेड और कनेक्टेड हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, तो क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म, जैसे आप घर का निर्माण करते हो, घर बनाते हो, तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है, रूम को कंस्ट्रक्ट करते हो, तो कंस्ट्रक्टेड और कंस्ट्रक्टेड सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है चालू रखना, जैसे आप अभी वीडियो कंटिन्यू रहेगी आपकी जब तक काम पूरा नहीं होगा, तो कंटिन्यूड और कंटिन्यूड की चालू रहेगी, कोई चीज चालू रहना जी, ठीक है। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण होना, जैसे कोरोना, अभी की कोरोना की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में है तो नियंत्रण में है, ठीक है, सुना होगा नाम आपने ये, कंट्रोल्ड और कंट्रोल। कुक, कुक का मतलब पकाना, जैसे आप खाना पकाते हो, कुक्ड, कुक्ड हो जाएगा। कॉपी, कॉपी का मतलब होता है नकल करना, ठीक है, कॉपी का मतलब क्या होता है नकल करना, कि कॉपी नहीं करनी है किसी की, यानी कॉपी से नकल नहीं करनी है, तो क्या हो जाएगा कॉपीड और कॉपीड। क्योर, क्योर का मतलब होता है इलाज करना, जैसे आप इलाज करते हैं ना किसी चीज का, कि बीमार हो गया तो क्योर करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो क्योर्ड और क्योर, ठीक है। तो ये हो गया जी आपके पास है वर्ब 60 तक, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, ठीक है, ये नोट कर लेनी है आपको और राइट भी करनी है जी, ठीक है। इसके लिए आप पीछे वाला भी रिवाइज करते रहें जी साथ के साथ। अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जी, पवन सांड सर के नाम से, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको
लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हैं जी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है जी, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर पहली बार देख रहे हो तो। बी बेटर लर्न बेटर, और कमेंट करके जरूर बताया करो जी आपको कैसा लगता है। ठीक है, आपके कमेंट ही हमें मोटिवेशन, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अगर आप जितने ज्यादा कमेंट करोगे, अच्छा लिखोगे, उससे उतनी अच्छी मेहनत होगी फिर। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना जी आपको कैसी लगी। ठीक है, इसकी PDF आपको चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का चैनल मिलेगा वीडियो के, वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।